बेटी गुजर, आप भी आरएस में आए, चालू नहीं है क्या? मंच पे आए बहन रेखा, प्लीज मंच पे आए दो मिनट के लिए। माँ शारदे को वनन करते हुए समाज की दशा और दिशा बदलने वाले आदरणीय कर्नल साहब का मैं नमन करती हूँ और मंच पे उपस्थित सभी विशिष्ट गणों का मैं सम्मान करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्ग जन, माताएं, बहनें और मेरे युवा साथियों का मैं आभार प्रकट करती हूँ। और ये पहला मौका है कि मैं यहाँ मंच पे उपस्थित हुई हूँ, इस तरह से कभी सोचा नहीं था कि मैं आऊंगी। जोरदार तालियां बजाएं, एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, जोरदार ताली। यकीन बहन था कि मैं इस तरह से अपने माता पिता का मतलब सीना चौड़ा कर रही हूँ और समाज का भी, और इस सब की श्रेय जाता है कर्नल साहब को, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरी माँ की हमेशा से ख्वाहिश रही है लेकिन वो कभी स्टेज पे नहीं आना चाहती थी, वो हमेशा यही कहती थी कि तू जहाँ भी होगी बस देख लूँगी तुझे मैं। और पापा की ख्वाहिश बहुत ऊँचे ऊँचे सपने थे और मकाम दिया मैंने उसे। आई थिंक पापा बहुत खुश होंगे आज कि उनका सपना बहुत पूरा हो गया है, क्योंकि हमारा जहाँ से हम आए हैं बैकवर्ड एरिया है, पिछड़ा हुआ है और माँ पापा दोनों ही अनपढ़ हैं। एक शहर में आके मजदूरी करके अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना, आई थिंक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और मैं उम्मीद करती हूँ कि एक ही नहीं, यहाँ बैठी जितनी भी मेरी प्यारी छोटी बहनें हैं वो मतलब उत्साहित हों और एक मुकाम ले, एक लक्ष्य बनाए अपनी ज़िंदगी में कि घर से जब निकलें तो सब कहें कि हाँ ये जा रही है, हमारे गुर्जर समाज की गौरव है ये, और एक अच्छी ज़िंदगी जिए ताकि माँ बाप को दहेज इकट्ठा करने के लिए पैसों का इंतज़ाम ना करना पड़े। वो यही कहें कि देखो तुमने जो मेडल लिए हैं, तुमने जो पुरस्कार लिए हैं वो हम तुझे दहेज में देंगे, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। यही कहा करती थी मेरी माँ मुझे कि हमारे पास कुछ नहीं है, जो तू मेडल लेके आती है स्कूल में, कॉलेज में टॉपर रही है और आज मैं जो मेडल लेके जा रही हूँ वो भी वहाँ रखा जाएगा और कहेगी कि यही तुझे मैं अपनी दहेज में दूंगी। बस यही कहना चाहूँगी, थैंक यू। धन्यवाद बहन रेखा से। DYSP की आपके कंधे पे फीक लगी है बहन पूनम भरगट, जोरदार ताली बजाएं पूनम भरगट के लिए भी। आदरणीय शकुंतला जी माला पहनाएंगी, हॉनरेबल जस्टिस साहब इनको मोमेंटो देके और कर्नल साहब सम्मानित, जोरदार ताली बजाएं। इन्होंने एक इतिहास रचा है, इनके कंधों पे फीत लगी है DYSP की। इनकी शादी पहले हो गई थी उसके बावजूद हम मिले। बहन प्राची गुजर, आप हैंडबॉल में भारत देश की तरफ से विदेश में परचम लहराया है, भारत का जो एक खिलाड़ी होता है उसमें बहन प्राची ने नाम किया है। इनके मम्मी पापा भी आए हुए हैं, ये पूरा परिवार स्पोर्ट्स में है, इनके दादा इनके पापा, हम सबसे मिले, हमें अंदाजा नहीं था ये बोले संबोधित करें। मैं पहले भी संबोधित कर चुकी हूँ और बहुत खुश हूँ वापस से एक बार और मौका मिला। मैं एक अपना इंसिडेंट दोहराना चाहूँगी यहाँ पे, जिस तरह से सर इन लड़कियों को बुला रहे थे और पुरस्कार दे रहे थे ये मुझसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब मैं 12th में मैं मेरिट में आई थी, देवनारायण जो मेला लगता है अपने, वहाँ पे मुझे भी इसी तरह बुलाया गया था और कर्नल साहब सर वहाँ पे थे और जब उन्होंने अनाउंस किया कि हम लड़ तो रहे हैं आप लोगों के लिए लेकिन क्या आप मतलब उस मुकाम दे पाओगे, उसे आरक्षण तो मिल जाएगा लेकिन क्या फ़ायदा उठा पाओगे उसका, तो मैं ही उस वक्त मैंने कर्नल साहब सर से कहा था कि मैं अगली बार जब भी आपसे मिलूंगी इस मंच पे, किसी भी मंच पे, तो ज़रूर एक RS अधिकारी के रूप में आपसे मिलने आऊँगी। और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ उस दिन के बाद, आज वो दिन है कि मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ। काफ़ी मतलब मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरी जो जुनून, मेरा जो जुनून था वो जिद में बदल गया कि इस बार कुछ करके ही जाना है इस मंच पे, अगली बार मैं चाहती हूँ कि आप सभी बहनें, विशेषता बहनें हमारी जो भी यहाँ पे हैं, पुरस्कृत हुई हैं यहाँ पे, अगली बार जब भी आएँ तो एक
अलग रूप में आए ताकि एक समाज को हम नई दिशा दे सकें। धन्यवाद। मंचस्थ अतिथिगण, सभी साथी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया यहाँ पे आने के बोलने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आरपीएस में सेवा करने का मौका मिला है। आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज से पहले स्टेज के इस तरफ बैठना पड़ा था, आज इस तरफ बैठ रही हूँ। बहुत गौरव की बात है मेरे लिए। मैं अपने माता पिता, अपने परिवार को, ईश्वर को, सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने मदद की। और मैं उन सभी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बनना चाहती हूँ जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। अगर मैं एक लड़की को भी प्रेरित कर पाई तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। धन्यवाद। सर, देवनारायण की जय। आदरणीय मुख्य अतिथि कर्नल बैसला साहब, अध्यक्ष महोदया शंकुंतला जी और सम्मानित मंच, सभी विभूतियाँ जो मंच पर बैठे हैं और जो सभी सुधीजन जो मेरे सामने उपस्थित हैं, मैं आप सबको ज्योति गुजर आदर सादर प्रणाम करना चाहूँगी। मैं कहना चाहूँगी कि आप महिला शिक्षा को बढ़ावा देवें, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि बेटों को तो सभी पढ़ाते हैं परंतु हमने बेटी को पढ़ाया है। तो मैं चाहूँगी कि आप भी अपनी बेटियों को इतना लायक बनाएं कि एक दिन वो भी स्टेज पर आके इस तरह बोल पाएँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग भी जब अब आए हैं तो हमें भी लगता है कि ऐसा हो गया है क्या। तो यहीं पर कई लड़कियां ऐसी हैं जो कुछ समय बाद हमारी जगह मंच पर आएंगी और इसी तरह सबको संबोधित करेंगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप आयोजनकर्ताओं ने इतना भव्य आयोजन यहाँ रखा है जिसमें सभी इतने समाज के लोगों से हमें मिलने का अवसर मिला है। मैं अपनी पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। अभी कहाँ आराम बदा यह नेह निमंत्रण चलना है, अरे अभी सोने से पहले मुझको मीलो चलना है, अभी सोने से पहले मुझको मीलो चलना है। कर्नल श्री बैसला जी, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं आपके सामने। हम भी कभी आपकी जैसे ही सामने बैठे होते थे। बिल्कुल पास। मंच पर सम्मानित सभी प्रबुद्ध जन और मेरे सभी साथी और सामने बैठे हुए सभी लोग जिनका मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीरज रावत, शाहपुरा, राउतों की डाणी, जिला जयपुर से। मेरे मम्मी पापा बैठे हैं सामने, खड़े हो। मेरी बेटी भी साथ में आई है। और इस उम्र के अंदर मैं अगर ये सब प्राप्त कर सकती हूँ तो आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हो। इस ठोकर खाने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खा के मिलती है। और बहुत सारी ठोकरें खाने के बाद मुझे ये कामयाबी मिली। आप सबका धन्यवाद, कर्नल साहब का धन्यवाद। स्वर्गीय श्रीमती प्रभाती देवी लटूमल पटेल जी और उनके परिवार श्रवण गीलाराम हनुमान भोलाराम चंदेला पूरा परिवार, और एक बड़ी बात और, इनके दो ये दो दामाद हैं जो आयोजक हैं, और मंचासीन नेतागण ब्रह्मा विष्णु महेश की व्याख्या करते हुए सरस्वती भी शर्माती है। मंचासीन प्रबुद्ध जनों की मैं क्या व्याख्या करूं कि मेरे शब्द भी छोटे पड़ते हैं। सम्माननीय, महाभारत में सारथी थे कृष्ण भगवान और गुर्जर समाज के सारथी सामने बैठे हुए हैं कर्नल बैसला जी, जिनके कारण आज ये प्रोग्राम हुआ है। वो कहावत है कि अगर ये काले बादल ना होते तो बारिश ना होती, ये काले बादल ना होते तो बारिश और हरियाली ना होती, ये मंचासीन आज हमारे योग्य बालक ना होते तो आप और हमारा ये प्रोग्राम ना होता, प्रोग्राम ना होता। मेरे को भी जब बैसला साहब ने ये कहा कि कभी मौका मिले तो जनता को ऐसा धन देना जो लूट में ना जाए, जो चोरी में ना जाए, जो उठा के ना ले जा सके, लाद के ना ले जा सके, शिक्षा का धन दे देना। जैसे ही सरकार बनी, मेरे से पहले बहुत नेताओं ने पत्थर लगा दिए थे कॉलेज के, घोषणाएं कर दी थी,
मैंने आदर्श मानते हुए कर्नल साहब आपके आदेश की पालना करी, सरकार बनते ही वित्तीय स्वीकृति सबसे पहले बांसूर कॉलेज की मैंने निकलवाई। और ये दोनों सामने बैठे, एक के तो जवाई और एक अमीन जी के बेटे आए, तो दोनों सलाह करके बैठे हैं कि एक जगह आप सब। और उससे भी बड़ा, ये मंच को जो मंच संचालन कर रहे हैं, राजवीर सिंह जी वकील और खेमचंद जी भाई, इनकी शादी तो कब हुई मुझे नहीं पता, ये जवाई तो कद के तो खैर छोटे हैं, कद के तो छोटे हैं, पर आज ये छोटे कद ने सारे अधिकारियों को जहां भी सिलेक्शन हुआ सबको ला ला के पूरे राजस्थान से रखे अपने ससुराल में इकट्ठा कर दिया। अब घरिया करे तो क्या बात हो, पर ये वकालत किसकी कर रहे हैं, सासरे वालों की, सासरा में लारे इकट्ठा कर दिया, ससुराल का नाम रोशन करा। इनको भी धन्यवाद है दोनों जवाइयों को, भाई सासरा वालों कोई रुपयो दे ली दो तो गुप्त में मत दे दीजो, अन्ना आधो आधो हिस्सो हम मंच पे बैठे ना और सामने बैठे सबको भी होना चाहिए, कभी चुपचाप नेग ले जाइए जवाई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और शिक्षा कई जैसे बच्चियों को कहते हैं ना, मैं थोड़ा ही बोलूंगी कि बेटे और बेटी में फर्क, मैं कहना चाहूंगी जितने मंचासीन नेतागण और सिलेक्शन हुए सभी बालक बालिकाएं और सामने बैठे हुए सभी प्रभुजन, आपकी मां ने आपको 9 महीने अपने खून से सींचा और एक बूंद भी खून फालतू बेटे को नहीं दिया, एक बूंद भी खून फालतू बेटी को नहीं दिया, बराबर सब तोला। तो आज की युवा पीढ़ी से मेरा अनुरोध है, शिक्षा वो कड़ी है जो झोपड़ी से महल खड़ा कर देगी आपका, आपका कद ऊंचा कर देगी। लेकिन आप कहीं भी जाएं, विदेशों तक पढ़ें, शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति को कभी नहीं अपनाएं, संस्कृति अपनी भारतीय संस्कृति रहे। हमेशा कहीं जाएं तो अपने माँ और बाप की ये सूरत और सीरत आपके दिल और दिमाग में रहनी चाहिए, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाए कि उन्हें नीचा देखना पड़े। बड़े गर्व की बात है, आज इनके पेरेंट्स आए, बड़ी खुशी है। मैं लंबा भाषण नहीं देके यही मेरा भाषण समाप्त करूंगी। और ये जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, बच्चों ने कहा कि हम गांव से आए हैं, हम बिल्कुल बैकवर्ड से आए हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि बैकवर्ड किसे कह रहे हैं आप बच्चों, हीरे मोती हमेशा खान और समुद्र में निकला करते हैं, हीरे मोती हमेशा खान और समुद्र में निकला करते हैं, योग्यता हमेशा गांव और गलियारों में निकला करती है, गांव और गलियारों में निकला करती है। धन्यवाद राम राम साहब कि कभी भी आंदोलन में एक भी हिंसा नहीं हुई, इसके लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार, डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, जिन्होंने कि आज हमारे मंच पे सुशोभित हो रहे हैं, कल क्या फैसला होगा पता नहीं, लेकिन सरकार का निर्णय 5% देकर हमें अनुग्रहित किया, इसलिए मैं बांसूर की तरफ से तो धन्यवाद करती हूँ। और जहां भी जरूरत होगी मैं आपके साथ चलूंगी और आप मुझे आदेश करेंगे उसकी मैं पालना करूंगी। धन्यवाद मैडम। 5-5 घंटे टीवी पे मैं, लेकिन मुझे उसकी मंजिल नहीं मिल रही है अभी तक, क्यों नहीं मिल रही है, सारी सुविधा है मेरे देश में, लड़कियां ट्रेन चला रही है, चंद्रयान पे जा रही है, सारी बस चला रही है, ड्राइविंग कर रही है, लेकिन डांस में गुजर महिला क्यों नहीं है, क्यों एक लड़की डांस क्यों नहीं कर सकती, क्या ये डांस कला नहीं है, क्या उसमें डांस नहीं कर सकती लड़कियां, क्या ये ही मेरा गुजर समाज में इज्जत है लड़कियों की, तो डांस क्यों नहीं है, ये डांस भी एक कला है, ये भी एक शरीर का तोड़ना, उसे दिन रात मेहनत करना, ये भी किसी से कम नहीं होता। हर देश में कहीं ना कहीं लड़की बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं, लेकिन वो पढ़ने में के अलावा और कुछ भी हो सकता है, जैसे डांस, स्पोर्ट, सब कुछ चीजें होनी चाहिए इंसान के अंदर, तभी इंसान कामयाब बन सकता है। मैं
मेरे गार्जियंस भी हो गए यहाँ पे, उनको मैं ये बतलाना चाहती हूँ। उनसे मैंने कई बार कहा भी है कि मैं डांस में जाना चाहती हूँ, मैं डांस में जाना चाहती हूँ। स्कूलों में मैंने बहुत अवार्ड जीते हैं, फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता क्योंकि मैं उस मंजिल तक पहुँचने में नाकामयाब हूँ। क्यों ऐसा है? क्या बेटियाँ जा नहीं सकती डांस में? अरे चंद्रयान पे दो महिलाओं ने रिसर्च किया है, रितु और वनिता। क्या वो किसी माँ बाप की बेटी नहीं है? क्या वो किसी माँ बाप की बेटी नहीं है जो वहाँ पे जाके आई है? क्या डांस कोई कला नहीं है? मैं पूछती हूँ, क्या डांस कोई कला नहीं है? जहाँ लड़कियाँ जा नहीं सकती, जहाँ लड़कियाँ जा नहीं सकती। एक रेख मैंने कल मिला था मोनिका चौधरी से, जो विकलांग उसकी आंख है, मतलब कान ही है जिसको बोलते हैं, वो एक डांस में है आज, डांस में। मैं भी टीवी पे दिखना चाहती हूँ, मैं भी डांस करना चाहती हूँ, मैं डांस करना चाहती हूँ। मेरी नौकरी में कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी नौकरी में कोई ख्वाहिश नहीं है, बस इतना ही कहती हूँ। इन सभी से निवेदन करती हूँ, जितने भी स्टेज पे जजेस बैठे हैं, कि मेरा भी सपना पूरा करने में मेरी मदद करें और मेरे गार्जियंस को बोले कि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ, मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ, मैं भी एक दिन टीवी पे देखूँ और आपसे, कर्नल साहब से, उनसे बातें करूँ टीवी पे, उन्हें बुला के ये चाहती हूँ। रेखा मैम ने ये जो मुझे बोलने की हिम्मत दी है, उनसे मिली है, उनके भी पापा एक कारीगर है और मैं भी एक कारीगर की बेटी हूँ, एक किसान की बेटी हूँ, लेकिन मैं अपना सपना पूरा करना में नाकामयाब हूँ। मेरी मदद करो प्लीज, मेरी मदद करो। क्या इंसानियत खत्म हो गई है आप लोगों में? जो एक बेटी डांस नहीं कर सकती, क्या वो एक कला नहीं है? क्या नौकरी ही सब कुछ होती है? नौकरी सीमित है, लेकिन कला का कोई विभिन्न अंग है, बहुत है, उसका कोई और नहीं है? क्या एक, क्या एक बेटी सब कुछ बन नहीं सकती है? क्या नौकरी ही सब कुछ होती है? कला है जो सब कुछ है आज, जो सब कुछ है आज। एक माइंड सब कुछ नहीं होता, जो शरीर होता है उससे बहुत सारे कलाएं होती है, हाथ से, पेंटिंग, डांस, जो पूरे शरीर, दिल और दिमाग से किया जाता है। मैं भी चार चार पांच पांच घंटे डांस गानों में लगी रहती हूँ। मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि तू कभी नहीं पहुँच सकती, लेकिन मेरे पापा बोलते हैं कि पहुँच सकती है, लेकिन वो पढ़ाई में पहुँचाना चाहते हैं मुझे। मेरी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जो मेरे गुरु हैं यहाँ पे शंकरलाल कसाना जी, उनकी कोचिंग में राजेश चौधरी, उन्होंने मेरे को बोला था कि एक ना एक दिन तू तेरी मंजिल तक जरूर पहुँचेगी, कोई ना कोई देना तेरा साथ, वो मैं तेरा साथ जरूर भी दूंगा। गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने उनका गुरु बनाया था, और गुरु के बिना इंसान में कोई कामयाब नहीं हुआ है आज तक, कोई कामयाब नहीं हुआ है आज तक। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मेरी माता, मेरे भाई और बहनों और युवाओं, जो सपना है उसे पूरा कर लो। अगर कोई रोक द्वार आती है, ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसे इंसान पूरा कर नहीं सकता, ऐसी कोई दीवार नहीं होती जिसे इंसान तोड़ के पार कर नहीं सकता। अरे कृष्ण ने तो जन्म हुआ था, तब उसने, उसके पिता ने कटोरे में घाल के ले गए थे उसे, पांव में पानी में नहीं तैर गए थे, पूरी रात में बरसा था, लेकिन उस बारिश में उसे गोकुल पहुंचाए थे। वो भी इंसाफ था, आज भी इंसाफ होगा मेरे साथ। इन सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरे सपने तक मुझे पहुंचाए, मेरे गार्जियन से रिक्वेस्ट करके, नहीं तो जीते जीते मर जाऊंगी, लेकिन अपने सपने को बुलंद नहीं होने दूंगी। आज आंखों में है आंसू, कल खिलेंगे फूल बल्कि ये भी, लेकिन साथ दे दो मेरा बस, साथ दे दो मेरा बस। इतना ही कहती हूँ, थैंक यू सो मच। हमें आपके ऊपर गर्व है, और मैं सब समाज की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं।